आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अग्निपथ स्कीम से रिटायर्ड जवानों को उत्तराखंड पुलिस भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता, सीएम धामी का ऐलान। बजट को सीएम धामी ने बताया उम्मीदों से भरा, सदन में घिरे सतपाल महाराज। आपको झटका, भाजपा में शामिल हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली। 40 दिन में 7 लाख से अधिक यात्रियों ने किए बाबा केदार के दर्शन, पुराने सभी रिकॉर्ड टूटे। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सेना में भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ स्कीम शुरू की है। अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए युवाओं की आयु 17 साल से 21 साल के बीच होनी जरूरी होगी। युवाओं को ट्रेनिंग पीरियड समेत कुल 4 वर्षों के लिए आर्म्ड सर्विसेज में सेवा का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सराहना की है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐलान किया है कि अग्निपथ सेवा के बाद रिटायर्ड हुए जवानों को उत्तराखंड पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत से ही विपक्ष हमलावर रहा। वहीं सदन में जाने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को उम्मीदों से भरा बताया। सीएम धामी ने आगे कहा कि बजट से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज नलकूपों और पर्यटन विभाग से जुड़े सवालों के जवाब से विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाए। इस पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की। पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और संस्कृति समेत 7 विभाग संभालने वाले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के जवाबों से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सदन में सवालों के जवाब न देने पर महाराज को घेरा है। विपक्ष के ऐतराज पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि विधायकों के द्वारा पूछे गए सवालों का सही से जवाब दें। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए तैयारी करें। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। सोमवार देर रात ही उन्होंने आप से इस्तीफा दिया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीपक बाली को भाजपा का पटका पहनाकर उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई। इसके बाद सीएम धामी और मदन कौशिक ने दीपक बाली को मिठाई खिलाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को एक महीने के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है। 24 मई को आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम फेस रहे अजय कोठियाल ने भाजपा का दामन थामा था, तो अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने भी आपका दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है।
केदारनाथ यात्रा ने इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 40 दिन के भीतर अब तक बाबा केदार के दर्शनों के लिए लगभग 7 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, यानी हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारपुरी पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो पिछले 2 साल कोरोना के चलते यात्रा सही तरीके से संचालित नहीं हो पाई थी, लेकिन जिस तरह अंदेशा लगाया जा रहा था कि श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ेगी, कपाट खुलने के दिन ही बाबा केदार के दर्शनों के लिए 25,000 श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसके बाद से साफ हो गया था कि इस बार केदारपुरी में भक्तों का हुजूम उमड़ने वाला है। जी बिल्कुल, अभी 40 दिन के आसपास हुए हैं और हमारा जो आंकड़ा है केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों का 7 लाख के करीब पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पे ये पिछली सभी यात्राओं से काफ़ी अधिक संख्या में यात्री इस बार आए हैं, और इसी क्रम में जो हमें चैलेंजेस फेस किए थे, जैसे कि हमें यात्री सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए हमने निरंतर प्रयास किए हैं, और आज काफ़ी अधिक संख्या में शौचालय, सफाईकर्मी आदि तैनात किए गए हैं। यात्रियों के रुकने की व्यवस्था भी हमने बढ़ाई है, और इसके साथ ही जैसे ओवर रेटिंग की जो शिकायतें आती थी या फिर जो लो क्वालिटी की शिकायतें थी, उसमें लगातार टीमों द्वारा कार्रवाई की गई, जिससे लोगों को सुविधा मिली है। जनपद नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा भवाली अल्मोड़ा मार्ग कैची के पास महाराज नीम करोली बाबा के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां 15 जून यानी आज लाखों की संख्या में बाबा नीम करोली महाराज के दर्शनों को श्रद्धालुओं का तांता दिखाई देगा। वहीं आपको बता दें कि विगत 2 वर्षों से कोरोना की महामारी के चलते बाबा नीम करोली महाराज का जन्मोत्सव सादगी ढंग से मनाया गया था, पर इस वर्ष महाराज नीम करोली बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। पौड़ी के विकास भवन सभागार में मंगलवार को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत विकास भवन में केंद्रीय टीम के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा समीक्षा बैठक में जनपद पौड़ी में जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर प्रोजेक्टर के माध्यम से समुचित जानकारी दी गई। डीएम द्वारा बताया गया कि जनपद के सभी विकास खंडों में इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र जनप्रतिनिधि द्वारा भी अपना भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। भारत सरकार के ओर से जनपद पौड़ी में जितने भी हमारे कैच द रेन जल शक्ति अभियान के जो कार्यक्रम हुए हैं, उसका समीक्षा बैठक के लिए भारत सरकार की टीम आई है। उसमें श्री अरुण कुमार केलू जी हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टील में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, और उसके अलावा श्रीमती अश्विनी जी हैं जो प्रोफेसर के रूप में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्य कर रहे हैं। तो इनके द्वारा जनपद में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं जल शक्ति अभियान के तहत, जिसमें सभी वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स को चिन्हित किया जाना है, उसके बाद उसकी जियो टैगिंग की जानी है, और जल शक्ति केंद्र जनपद में जो स्थापित है उसका इंस्पेक्शन किया जाना है। साथ साथ में जो भविष्य की जो कार्य योजना है, जिसमें विशेष रूप से अमृत सरोवर परियोजना जो है, उसमें 75 जल निकायों की कार्य का समीक्षा भी उनके द्वारा किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसका अनुपालन समस्त विभागों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन न कराने के विरोध में गैरसैंण राजधानी अभियान के सदस्यों द्वारा भराड़ीसैंण में सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। साथ ही लोक जागरण के माध्यम से सरकार को गैरसैंण राजधानी बनाने की मांग की गई। अभियान के युवा संयोजक मदन भंडारी ने कहा कि राजधानी गैरसैंण के बिना पहाड़ों का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बन जाती है। देश तो हम यही देना चाहते हैं कि उनकी बुद्धि आए उन पर और इस तरह की उल्टी बातें न करें। उन्होंने ग्रीष्मकाल में बोला था यहाँ पे सत्र चलेगा, उसके बाद वो आप बोल रहे हैं कि यात्रा चल रही है इसलिए वो बाधित होगी, इसलिए हम नहीं कर रहे। तो ये बुद्धि तो ख़राब है उनकी, क्या उनको मालूम नहीं था कि जब ये कानून बनाया था, जब विधेयक आपने बनाया था, कि आपको पता नहीं था कि यात्रा चलती है इसमें, और फिर आपने इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा है तो अगर ऐसा किया है तो ये बुद्धि तो ख़राब है। हाँ, जैसे कि सभी लोग जानते हैं गैरसैंण को जो है इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है भाजपा सरकार ने, जबकि आंदोलनकारियों की मांग थी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। लेकिन चलो, हमने पिछले कई समय से जो है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारी जीत है कि कम से कम सरकार ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई है तो क्यों नहीं सरकार यहाँ पर ग्रीष्मकाल में आती है, क्यों नहीं यहाँ से सरकार का संचालन होता है। सत्र की बात करते हैं तो ग्रीष्मकाल में सत्र जो है ये देहरादून में कर रहे हैं, इस समय यहाँ पर नहीं आने का औचित्य क्या है? हम कहते हैं कि आपने जब राजधानी घोषित कर दी है तो आप आइए और यहाँ राजधानी में बैठिए, कम से कम 6 महीने 4 महीने तो यहाँ पर रहिए। जब तक आप पहाड़ों में नहीं आएंगे, जब तक आप पहाड़ों में जो है पहाड़ से सरकार नहीं चलाएंगे, बात राजधानी की नहीं है, बात है जो है पॉलिटिकल जो पावर सेंटर है, जो पॉलिटिकल पावर सेंटर हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो पॉलिटिकल पावर सेंटर हो वो हो पहाड़ों में हो। अगर ये पहाड़ों में होगा, यहाँ से पॉलिटिक्स जब यहाँ से संचालित होगी, यह राजधानी यहाँ से संचालित होगी, सरकार यहाँ से संचालित होगी, तो पहाड़ों की जो पर्वतीय नीति है वो जो है पटल पर आएगी। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो बनने लगेंगी। आप देखो कि अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आज स्वास्थ्य सेवाओं के लोग
देखो आज से विधानसभा में बजट सत्र देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, जबकि पिछली सरकार ने इसे गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और ये विधानसभा में एक संकल्प पारित किया गया था कि हम बजट सत्र भराड़ी शहर गैरसैंण में आयोजित करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने खुद जनता से वायदा किया था, विधानसभा में संकल्प पारित किया था और ये एक बहाना बना रहे हैं कि चारधाम यात्रा के कारण हम गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं करा पा रहे, बजट सत्र नहीं करा पा रहे, तो क्या इनको ये मालूम नहीं था? इनकी बुद्धि पे इनकी इतनी बुद्धि नहीं थी कि इनको नहीं मालूम था कि हमेशा चारधाम यात्रा जो है गर्मियों के समय होती है, तो इनके इसीलिए इनकी बुद्धि के शुद्धि के लिए हमने यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। रामनगर और उसके आसपास के इलाकों में हो रही लगातार अवैध खनन की शिकायत को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा की गई छापामार कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। मंगलवार को खनन विभाग के उपनिदेशक राज्यपाल लेखा और एसडीएम गौरव चटवाल की मौजूदगी में टीम द्वारा स्टोन क्रैशर पर छापामार कार्रवाई की गई। मंगलवार को खनन विभाग के उपनिदेशक राज्यपाल लेखा और एसडीएम गौरव चटवाल की मौजूदगी में टीम द्वारा स्टोन क्रैशर पर छापामार कार्रवाई की गई। उपनिदेशक राज्यपाल लेखा ने बताया कि टीम द्वारा स्टोन क्रैशरों और उपखनिज के अवैध भंडारण के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। रामनगर में स्टोन क्रैशर और अवैध भंडारण स्थलों का औचक निरीक्षण राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसमें भी अनियमितताएँ पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी और जब तक जुर्माना जमा नहीं होगा तब तक उनका ई पोर्टल भी बंद किया जाएगा। चारधाम यात्रा के चलते बद्रीनाथ धाम में होटल बुकिंग को लेकर ठगी करने वाले शख्स को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे के अनुसार पिछले दिनों चारधाम यात्रा पर आए एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ हुई ठगी के मामले में बद्रीनाथ थाने में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद चमोली पुलिस ने मामले को लेकर एक टीम का गठन किया, जिसके बाद चमोली पुलिस की टीम राजस्थान पहुंची और मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अपराधी के पास एक मोबाइल और सिम कार्ड मिला है। अभियुक्त द्वारा चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बुकिंग के लिए एक फर्जी साइट तैयार की गई है और अब तक 27 लाख रुपए की ठगी सामने आई है। 26 मई को थाना बद्रीनाथ में महाराष्ट्र थाने के एक श्रद्धालु हैं जिनके द्वारा लिखित में तहरीर दी थी, जिसमें यह अंकित किया गया कि बद्रीनाथ में द्वारकेश होटल के नाम पे इनके द्वारा बुकिंग जब करवाई गई तो 6,000 रुपये इनके द्वारा एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया और जिस मोबाइल नंबर से उनकी बात हो रही थी होटल बुकिंग में उसके द्वारा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया है और एजेंट यह पता चला कि द्वारकेश होटल में इनकी कोई बुकिंग नहीं थी और न ही इनके द्वारा पैसा ट्रांसफ़र किया गया। पूरे फर्जीवाड़ा को चूँकि एक फर्जी बुकिंग थी तो इसमें 420 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। एक संयुक्त टीम गठित की गई थाना गोपेश्वर से SSI और SOG की टीम जो है जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो पता चला कि वो भी फेक आईडी से अकाउंट डिटेल्स बनाए गए थे और लगभग एक महीने में 27 लाख से भी ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो रखा था और देश के विभिन्न श्रद्धालुओं से इसी तरह से धोखेबाजी की गई थी। तो इसमें टीम द्वारा जब और कार्रवाई की गई तो ये पता चला कि ये जो पूरा गैंग है ये भरतपुर थाना कामा क्षेत्र से ऑपरेट कर रहा है और जो इसमें एक अभियुक्त है हकीमुद्दीन इसकी गिरफ्तारी की गई है। गैंग के अन्य मेंबर्स के बारे में भी पता चला है जो कि उस जिसको कि अभी हम विवेचना में लेकर आ रहे हैं और उसी हिसाब से अग्रिम आगे की कार्रवाई। सोमवार की देर रात ग्राम सुवालदे क्षेत्र में एक युवक के संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम सुवालदे पश्चिम निवासी 30 वर्षीय भोपाल सिंह बिस्ट का शव सोमवार की देर रात घर के समीप थी कुछ दूरी पर संदिग्ध अवस्था में मिला। बताया जा रहा है कि मृतक के गले पर धारदार हथियार के निशान है। कोतवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा और परिजनों द्वारा तहरीर मिलने पर बधानी कार्रवाई की जाएगी। कल हमें रामनगर हॉस्पिटल से एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें ब्रॉड डेड एक व्यक्ति का शव हॉस्पिटल आया था जिसको पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और अभी तक इस संबंध में कोई भी परिजनों की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी पुलिस सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के उपरांत विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के 824 रिक्त पदों पर वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है।
बोर्ड द्वारा पारदर्शिता पूर्वक इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोगों द्वारा इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिनके ना तो मेरिट में नाम है और ना वो इस प्रक्रिया की अहर्ताएं पूरी कर रहे हैं। चयन बोर्ड द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक बोर्ड को कुल 4,951 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए डाटा के अनुसार बोर्ड द्वारा वर्षवार मेरिट के आधार पर श्रेणी उप श्रेणीवार तैयार की गई। अभ्यर्थियों की सूची उनके पंजीकरण संख्या के अनुसार बीती 10 जून को जारी कर दी गई, जिसमें सूची में आए अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए डाटा के भौतिक सत्यापन के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन कतिपय अभ्यर्थियों को जारी की गई सूची में उनके पंजीकरण न होने का संशय हुआ। अभ्यर्थियों के निवेदन पर बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी की गई सूची को विस्तार पूर्वक उनके नाम, पिता, पति के नाम, जन्मतिथि, उनके द्वारा बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण वर्ष और बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर सूची बीती 13 जून को जारी की गई। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।